पाकिस्तान में टिकटॉक को हरीम शाह के धमाके जा रही हैं, जहां एक के बाद एक हुकूमती वज़रा की वीडियोज मंजरे आम पर आ रही हैं। वहीं हर रोज कोई नया स्कैंडल भी सामने आ रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक शादी की तकरीर के दौरान मशहूर एंकर पर्सन मुबशर लुकमान को थप्पड़ मार दिया। मुबशर लुकमान ने गुज़िश्ता दिनों अपनी एक वीडियो में फवाद चौधरी और हरीम शाह के बारे में तफसीलात बताई थी, जिनके मुताबिक बहुत जल्द फवाद चौधरी की वीडियोस भी सामने आने वाली हैं। जिसके बाद फवाद चौधरी ने पहले ट्विटर पर मुबशर लुकमान को बुरा भला कहा और इनके खिलाफ ट्वीट्स किए। कल रात फवाद चौधरी दूसरे हुकूमती अहदेदारों के हमरा मोहसिन लगारी के बेटे की दावत वलीमा में शरीक थे, और जैसे ही मुबशर लुकमान वहां पहुंचे तो वह तो उन्हें देखते ही फवाद चौधरी गुस्सा में आ गए और मुबशर लुकमान को थप्पड़ दे मारा, जिसके बाद मुबशर लुकमान और फवाद चौधरी आपस में गुथम गुथा हो गए और लड़ाई शुरू हो गई। इस मौके पर जहांगीर तरीन और इसहाक खाकवानी ने उनके दरमियान लड़ाई खत्म करवाई। इससे पहले फवाद चौधरी फैसलाबाद में एक और सहाफी समी इब्राहिम को भी थप्पड़ मार चुके हैं।